अमिताभ, क्या उनको तकलीफ क्या थी, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है, क्या कोई बीमारी या फिर उम्र की वजह से? देखिए, 100 साल एक बड़ी एक 100 साल की जिंदगी एक स्वस्थ और एक मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही 100 साल की आयु पूरी करता है। और यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल में अगर भर्ती थी तो कोई ना कोई दिल हार्ट से रिलेटेड ही उनको बीमारी रही होगी। हालांकि इस बुलेटिन में उनके इसके बारे में लिखा होने की पास हुए, लेकिन एक नेचुरल डेथ के बारे में कहा जा रहा है, तो ये हो सकता है एक नेचुरल डेथ हो। और दूसरी बात, जो बुलेटिन भी आ रहे थे उसमें कभी इस बात का जिक्र नहीं था किसी में भी 2 दिन से कि क्या बीमारी है, उसमें बस ये था कि हालात स्थिर बने हुए हैं, उनके तबीयत के हालात स्थिर बने हुए हैं। तो अभी 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में सुबह तड़के 3:30 बजे उनका देहांत हो गया। तो प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में मुझे लगता है अहमदाबाद निकलेंगे और जाकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल अमिताभ, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ के रिश्ते की हम बात कर रहे थे, कुछ और ऐसी अगर ऐसी कहानियां जो आपको याद हो, किस तरीके से प्रधानमंत्री उनका जिक्र करते रहे हैं, संघर्षों के बारे में हमने बात की और कितने वो करीब रहे हैं उसकी हमने बात की, लेकिन माँ का आशीर्वाद ही था शायद प्रधानमंत्री के ऊपर जो वो इतने आगे बढ़े और विश्व में एक सबसे बड़े लीडर के तौर पर अगर वो कायम है तो सबसे बड़ा जो श्रेय है शायद उनकी माँ को ही जाता है। बिल्कुल, ये बात ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपनी माँ के चलते ही उनको जो जीवन में जो जितनी सीख मिली है और जीवन में प्रधानमंत्री मोदी को जो आगे बढ़ने का और काम करने की जो शक्ति मिली है, और जो पीएम जो बार बार कहते हैं कि हमें 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 अपने घर से ही सारी की सारी सीख मिली, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो प्रधानमंत्री की माँ हीराबा, जो प्रधानमंत्री कहते थे खुद ही घर के सारे काम करती हैं, 100 साल की हीराबा थी लेकिन अपने सब सारे काम खुद करती थी, और 18 जून को 2022 इसी साल अपना 100वां जन्मदिन मनाया था, और उनके बारे में ये था कि अपने घर के सारे काम वो खुद ही करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक माँ का जो पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को जोड़ती है, वो घर के सारे काम खुद ही करती है, तो बिना किसी सहारे के चलती है। तो ये प्रधानमंत्री की माँ के बारे में जो तमाम बातें उठकर सामने आती थी, एक बड़ी स्ट्रांग विल्ड महिला जिसने पूरे घर को जोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाया और उन तमाम तमाम नीतियां जो है प्रधानमंत्री की वो हीराबा से सीख और उनके घर की महिलाओं से जो सीख मिली थी वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने एक बहुत पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जब सुबह 5 बजे उनके घर लोगों की लाइन लग जाती थी और उनकी माँ नवजात और छोटे बच्चों का पारंपरिक नुस्खों से इलाज करती थी जब वो लोग छोटे थे, घर के सामने की आसपास की इलाकों की कई माताएं अपने बच्चों को लेकर इकट्ठा हो जाती थी उनकी माँ हीराबा के पास, जो अपने सिर्फ स्पर्श से अपने उन बच्चों छोटे नवजात बच्चों को ठीक कर देती थी। वो हीराबा को घर का खाना पसंद था, प्रधानमंत्री ने अपने कई बार अपने ब्लॉग्स में जिक्र किया, अपने कई इंटरव्यू में अमिताभ जादुई स्पर्श था उनकी माँ के हाथों में, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने उस ब्लॉग में भी किया था जो उन्होंने अपनी माँ के जन्मदिन पर लिखा था। हमारे सहयोगी जनक दवे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनक, ये बड़ी और दुखद खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा अब हमारे बीच नहीं रही, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जो जानकारी है कि अभी सुबह ही प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर हैंडल पर इस मामले की जानकारी दी कि मां का निधन हो चुका है। अभी जो स्थानीय जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पीएम जब दिल्ली से रवाना हुए तो थोड़ी देर बाद लगभग 8:15 का वक्त है जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधे अस्पताल जाएंगे। जो जानकारी उसके मुताबिक बाकी वहाँ पे जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर फिर उनके भाई जो पंकज मोदी जहाँ पर रहते हैं पार्थिव शरीर वहाँ पर जाएगा और फिर वहाँ पे अग्नि संस्कार के लिए ले जाएगा। ये अभी प्राथमिक रूप से जानकारी दी जा रही है, अभी ये कोई फाइनल प्लान नहीं हुआ है चूंकि सिक्योरिटी बंदोबस्त और सारी चीज़ें भी उसमें देखी जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर ये अभी जानकारी सामने आ रही है कि पीएम जो आ रहे हैं वो सीधे आकर अस्पताल आएंगे जहाँ पर
पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और फिर पार्थिव शरीर को उनके भाई के घर पर ले जाया जाएगा, ये प्राथमिक तौर पे अभी जानकारी सामने आ रही है। जनक, दो दिन पहले जब हीराबा की तबीयत खराब हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे, अस्पताल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि उनकी हालत जो है अब स्थिर है। उसके बाद बुधवार का शायद वो दिन था, उसके बाद आज शुक्रवार को सुबह ये खबर आई कि उनकी माँ का निधन हो गया, क्या जानकारी अस्पताल की तरफ से साझा की गई है? और ये जिस जानकारी है वो दो बुलेटिन आए थे, आपको भी याद हो कि आधिकारिक तौर पर जो वहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूट है, यूएन मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट है, उनकी ओर से दो ऑफिशियल बुलेटिन सामने आए जिसमें शुरुआती तौर पे बताया जा रहा था कि जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था, जब आए तब उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन फिर उनको इंजेक्शन और वो खून पतला करने के इंजेक्शन और बहुत सारी चीज़ें दी गई थी और उसके बाद उनकी स्थिति है वो स्टेबल थी और कल जो बुलेटिन आया गया तो उसमें लिखा गया कि वो रिकवर भी कर रही है। और लेकिन आज फिर सुबह ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले की जानकारी दी गई कि वो नहीं रही है। तो 100 साल की उम्र थी और बताया जा रहा है शुरू की उनको दिल का दौरा हुआ था, पड़ा था और उसके बाद ये डिट्रॉइट हुई स्थिति और उसके बाद उनका ये निधन हुआ। तो ये ऑफिशियली अब जो मेडिकल बुलेटिन आएगा उसमें भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी, क्या मेडिकल प्रोटोकॉल्स रहे और क्या सर्जरी रही। और पीएम खुद आए उस दिन भी, लगभग डेढ़ घंटा जितना वक्त उन्होंने माँ के साथ बिताया था। और आप भी जानती हैं कि पीएम वो हर मौका कहें कि निकालते थे, जब वो अहमदाबाद आए, गांधीनगर रुके, तो गांधीनगर जाते हुए रायसन जो गाँव आता है जहाँ पर पंकज मोदी के साथ अपने छोटे भाई के साथ जो माँ रहती थी, तो जितना भी समय मिले, क्वालिटी टाइम जिसको कहे, वो निकाल लेते थे। और हो सकता था वो जितना हो सके वो रात का वक्त पसंद करते थे क्योंकि उनके साथ एक खाना भी हो जाए माँ के साथ। और वो ऐसे कई तस्वीरें भी हमने देखी और इसी साल आपको याद हो जब 100 साल पूरे किए थे माँ ने 18 जून को, तो उनके माँ के उन्होंने हाथ पांव धोए थे और वो जो पानी था वो भी सर पर लगाया था। तो ये एक मातृभाव की तरफ, और हमेशा पीएम के जो जज्बात थे उन्होंने जो अपने ब्लॉग में लिखे थे, वो दिन भी याद कीजिए जहाँ पर पीएम ने कहा था कि ये कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये मातृ स्वरूप है और हर व्यक्ति के परिवार में मातृ स्वरूप होता है और मेरे लिए भी ये मातृ स्वरूप है और इनके कितने ऋण हैं जिंदगी में जिसको वो कभी उतार नहीं पाएंगे। ये सारी बातों का जिक्र भी उन्होंने अपने ब्लॉग में किया था जब शताब्दी वर्ष की बात की थी और उन्होंने अपने पिता को भी याद किया था उस समय कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज वो एक साल बड़े, मतलब हीराबा से एक साल बड़े थे तो उन्होंने शताब्दी वर्ष पूरा हो चुका होता। तो ये अपने माँ और बा दोनों को, माँ और पिता दोनों को उन्होंने उस समय, प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपनी भावनाओं को जाहिर करने में पीछे नहीं रहे, चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो या फिर जब मुलाकात के लिए पहुंचते थे, वो हमेशा बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी माँ के सामने पेश आते थे। हमारे सहयोगी अमिताभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, आप उस जादुई स्पर्श की बात कर रहे थे जिस बात के बारे में शायद प्रधानमंत्री ने अपने उस ब्लॉग में भी लिखा है कि किस तरीके से उनके घर के बाहर लाइन लग जाती थी और उनकी माँ के हाथों में कहते हैं कि जादुई स्पर्श था, वो लोगों को छूकर ही ठीक कर देती थी। बिल्कुल, मुझे याद है 2019 में जब तमाम इंटरव्यूज दे रहे थे प्रधानमंत्री बार बार यही कहते थे कि जब सुबह उनको याद है जब वो छोटे थे तो वह 5 बजे से ही उनके घर में आस पड़ोस के लोगों की, पूरे गांव के लोगों की माएं वहां पहुंच जाती थी अपने नवजात और छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि उनकी माँ प्राकृतिक नुस्खों से इलाज करती थी। प्राकृतिक नुस्खे आज विलुप्त होते जा रहे हैं। कोरोना के काल में भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा था कि कोरोना जो प्राकृतिक दवाइयां हमारी, जो प्राकृतिक मेडिसिन है उनका इस्तेमाल कीजिए, कोरोना से बचने में काफी मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री भी आपको याद होगा आयुष मंत्रालय को काफी बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री वैदिक को काफी बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री योग को काफी बढ़ावा देते हैं। ये लोग प्राकृतिक नुस्खों से जो उनकी माँ इलाज करती थी, उनका जो प्रधानमंत्री जिक्र करते थे, उसका साफ था कि घर के आसपास की इलाके की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर इकट्ठा होती थी, प्राकृतिक नुस्खे तो देती थी, लेकिन उनकी माँ हीराबा बकौल प्रधानमंत्री के मुताबिक वो अपने जादुई स्पर्श के लिए मशहूर थी। पूरे गांव में, मोहल्ले में उनकी, प्रधानमंत्री कहते थे उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनको भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उनके जादुई स्पर्श को लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे ताकि वो उनको ठीक कर दें। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, प्राकृतिक नुस्खे और जादुई स्पर्श और भरोसा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं, भगवान पर भरोसा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मोहल्ले के लोगों को घर से जोड़े भी रखती थी और उनकी माँ
माँ का सम्मान भी पूरे गांव में और मोहल्ले में बढ़ता था। तो ये प्रधानमंत्री इसी से ठीक है अमिताभ, मैं आपके पास लौटूंगी, ये बड़ी जानकारी जो है वो जरा दर्शकों के साथ साझा कर ले। बड़ी और दुखद खबर आज की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है और प्रधानमंत्री इस वक्त अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, ये बड़ी और दुखद खबर। उनकी माँ 100 साल की हो चुकी थी और आपको बता दें कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के UN अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी लंबे वक्त से हीराबा अस्पताल में भर्ती थी। आपको याद होगा कि बुधवार के दिन भी उनकी तबीयत खराब होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच रहे थे और उनका हालचाल लिया था, डॉक्टर से बातचीत भी की थी और उसके बाद अस्पताल की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि हीराबा की तबीयत अब स्थिर है और उसमें बाद में स्टेटमेंट ये भी आया था कि अब वो रिकवर कर रही हैं। लेकिन दुखद जानकारी आज सुबह ये सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ये बात साझा की कि उनकी माँ का निधन हो गया है और उसके बाद अस्पताल की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि सुबह 3:00 बजे हीराबा का निधन हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक बड़ी क्षति है क्योंकि वो अपनी माँ के कितने करीब थे ये बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचते थे तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपनी माँ से मिलने के लिए वक्त जरूर निकालते थे और अपनी भावनाओं को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं रहे, चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो, चाहे वो किसी संबोधन के जरिए हो, चाहे वो मुलाकात के जरिए हो, वो खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते थे। किस तरीके से उनकी माँ ने संघर्ष से भरे अपने दिन बिताए हैं उस बात का जिक्र करते करते कई बार प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को खो दिया, एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति प्रधानमंत्री के जीवन में, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ से ऊपर कोई भी नहीं था और ये एक बड़े दुख की घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम निर्धारित थे वो जानकारी के मुताबिक रुकेंगे नहीं, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनमें शिरकत भी करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल को कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले थे, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी क्षति है वो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा शायद और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपनी माँ को खोने का दुख प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे और इन सब के बावजूद उनके जो सरकारी काम है वो नहीं रुक रहे, एक संदेश है इसमें पूरे देश के लिए। लेकिन इस बीच आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और वहां पर वो अस्पताल में जाएंगे जहां पर उनकी माँ का पार्थिव शरीर है। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है कि उनकी माँ का निधन हो गया है। सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली। इस बीच हम आपको वो पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मुलाकात करने पहुंचते थे। देखिए ये वो स्टेटमेंट है जो UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर यानी उस अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है जिसमें ये बात लिखी गई है कि सुबह 3:30 पर हीराबा ने अंतिम सांस लिए। ये स्टेटमेंट अस्पताल की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। हीराबा मोदी पास्ड अवे ऑन 30/12/2022 यानी 30 तारीख को सुबह 3:30 पर अर्ली मॉर्निंग के समय में उनका निधन हो गया है। अस्पताल की तरफ से ये बात साझा की गई है स्टेटमेंट के जरिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं और देखिए ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट के जरिए ही ये जानकारी देश के साथ साझा की कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी माँ सबसे ऊपर थी। हमेशा आपने राजनीतिक जीवन से अपने परिवार को दूर रखा लेकिन इसके बावजूद जब भी अहमदाबाद वो पहुँचे तमाम व्यस्तताओं के बावजूद सभी काम करने के बाद वो अपने माँ के पास ज़रूर जाते थे और कोशिश करते थे कि शाम के वक्त पहुँचे ताकि रात का डिनर भी वो माँ के साथ कर सकें। और जो तस्वीरें सामने आती थी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें उसी बेफिक्र बच्चे की तरह नजर आते थे जो अपनी माँ के आंचल की छाँव में हो इस वक्त। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है, हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ उनका निधन हो गया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की। उन्होंने दो ट्वीट किए जिसमें से एक ट्वीट में उन्होंने अपनी माँ के द्वारा दी गई सीख का भी जिक्र किया है। तो एक बड़ी क्षति है और यकीनन माँ को खोने का दुख
बच्चे से ज्यादा शायद कोई और महसूस नहीं कर सकता। और बेहद असहाय वो पल होता है जब बच्चे के ऊपर से माँ का साया छिन जाए, उम्र चाहे कितनी भी रही हो। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है। इस वक्त वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और 8 बजे के बाद वो शायद अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और सबसे पहले अस्पताल में पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3:30 बजे हीरा बा का निधन हो गया अस्पताल के।